सॉरी अंकल, आई एम रियली सॉरी। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम ये क्यों नहीं समझ रही हो कि एक आतंकवादी ग्रुप तुम्हारे सर के ऊपर मौत की तरह मंडरा रहा है? मेरे और अमरजीत सिंह के मना करने के बावजूद तुम यहाँ क्यों आई? तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकती? तुम्हारी सुरक्षा के लिए ही तुम्हें हिंदुस्तान से यहाँ लाकर रखा गया है, और तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या जवाब देता? चलो जुनैद भाई, जुनैद भाई, जुनैद भाई। जुनैद भाई, होम मिनिस्टर की बेटी का अटैम्प फेल हो गया है। अंकल, आपने इंडिया जाना कैंसिल कर दिया? हाँ। आई एम सॉरी अंकल, गलती मेरी ही थी। आपके मना करने के बावजूद भी तुम्हें समझना बड़ा मुश्किल है। बड़ी टेढ़ी चीज हो तुम, बार बार गलती करती हो और उसके बाद मेरे सामने मुंह लटकाकर खड़ी हो जाती हो। सॉरी अंकल, और मैं भी इतना इडियट हूं कि तुम्हारी हर गलती को आखिरी गलती समझ बैठता हूं। हेलो, क्या हाल है कॉल साहब? हाँ चौधरी साहब, आप फिक्र मत कीजिए, सब कुछ ठीक ठाक है। आप भी जरा अनीता को समझाइए, ये जो कुछ भी हुआ है इसकी नादानी की वजह से हुआ है। जरा बात कराइए मेरी उससे। जी हाँ, लो बात करो डैडी से। हेलो डैडी। ये मैं क्या सुन रहा हूँ अनीता? डैडी एक्चुअली वो आई डोंट वांट टू हैव एनी एक्सक्यूजेस। और एक बात मेरी कान खोल करके सुन लो कि कॉल साहब जो भी तुम्हें हिदायत दें उन पर पूरी तरीके से अमल करो। अनीता, ये तुम्हारी जिंदगी का ही सवाल नहीं है, ये देश की इज्जत का भी सवाल है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था का मजाक उड़ेगा, समझिए आप? जी। मैं आगे से कोई भी शिकायत नहीं सुनना चाहता, ओके? ओके डैडी, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, प्रॉमिस। ओके, देखिए अंकल, मुझे माफ कर दीजिए, आप भरोसा कीजिए, अब मैं आपके ऑफिसर्स की कोई बात नहीं टालूंगी, वो जैसे कहेंगे मैं वैसे ही करूंगी। लेकिन आप इंडिया जाना कैंसिल मत कीजिए, अगर शादी रुक गई तो सबका दिल टूट जाएगा और इसके जिम्मेदार सब मुझे ठहराएंगे। देखो, इस बंगले के आसपास 10-12 किलोमीटर तक हमारे कमांडोज जगह जगह तैनात हैं। दुश्मन का इस बंगले की तरफ बढ़ने का इरादा करना मतलब अपनी मौत बुलाना है। ओके अंकल, मैं इस दायरे में ही रहूंगी, लेकिन आप इंडिया जरूर चाहिए। जी तो करता है कि एक धरूं तुम्हारे। बहुत बड़ी जिम्मेदारी तुम्हारे सर पर डालकर जा रहा हूं अमरजीत सिंह। आई नो सर। मुझे उम्मीद है कि तुम उसे बखूबी निभाओगे। डोंट वरी सर, मैं आपके विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। गुड मॉर्निंग मैडम जी, अब आपका क्या इरादा है? अंकल, मैं आपको एयरपोर्ट छोड़ने चलूं? ठीक है, चलो। अंकल, आपके घर में और कौन कौन है? मुझ पर हुकूमत करने वाली एक देवी जी हैं, मेरी पत्नी, और एक बेटा है अजय। अजय क्या करता है वो? वो क्या करता है और क्या करना चाहता है, इन्हीं सवालों के जवाब तो ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। जो मैं चाहता हूँ वो चाहता नहीं, और जो वो करता है मेरी समझ में नहीं आता। मगर ऐसा करता क्या है? अजय, तू इतना अच्छा गाता है, पूरे शहर में तूने हंगामा कर रखा है, अपनी एल्बम क्यों नहीं बनाता है? तू अच्छी तरह से जानता है कि एल्बम बनाने के लिए नाचना पड़ता है, जो मुझे अच्छी तरह से नहीं आता। खैर ये बता, तू दिल्ली से कब आया? आज सुबह ही पहुंचा हूँ,
सोचा तुझे सरप्राइज दे दूं। यार तेरे आर्टिकल्स बहुत अच्छे होते हैं, तेरी न्यूज रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज। अच्छा ये बता, तू उन लोगों से मिल कैसे पाता है जिनका अता पता शायद ही कोई जानता हो? बहुत मुश्किल से, महीनों लग जाते हैं किसी की तलाश में, पर फिर कोई ना कोई जरिया तो मिल ही जाता है। हेलो। हाँ भैया, याद है ना स्टेशन जाना है बाबूजी को लेने के लिए? हाँ हाँ मालूम है। देखो भैया 4 बजे की ट्रेन है, पहुँच जाना बराबर वक्त पे। हाँ हाँ 4 बजे पहुँच जाऊंगा। अरे 4 तो बजने वाले हैं। अलोक मैं तुझसे बाद में मिलूंगा, ओके? आज का इंटरव्यू फिर गया। ये किसका दुपट्टा है? अरे ये दुपट्टा किसका है? देख क्या रहे हैं आप लोग, बताइए किसका दुपट्टा है ये? अरे भाई किसका दुपट्टा है ये? अरे क्या अपने दुपट्टा नहीं संभाल सकते क्या? ठीक है कम से कम जिसका दुपट्टा है ये सामने तो आए, अपना दुपट्टा ले जाए। जी मेरा है। बड़ी लापरवाह हैं आप एक दुपट्टा नहीं संभाल सकती अपना? जानते आपके इस दुपट्टे ने मेरे मोटरसाइकिल का क्या हाल कर दिया है? जी वो हम सामने वाले स्कूल में पढ़ाते हैं, हम सड़क पार कर रहे थे तो हवा बहुत तेज आ गई तो हमारा छाता उड़ने लगा, हम उसे संभालने गए तो दुपट्टा उड़ गया और अब गिर गए। कमाल है, आपको अपना दुपट्टा संभालना चाहिए छाता। आप जानती है ना कि एक दुपट्टा लड़की के लिए क्या अहमियत रखता है? जी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। हमारा दुपट्टा लीजिए।